हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत दिन से मैं प्लान कर रही हूँ कुछ बनाने का, तो फाइनली रवे का लड्डू बनाने का प्लान किया है। सबसे लिया पीतल की कढ़ाई मैंने, उसमें डाला है घी। घी थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए छोड़ देती हूँ मैं, और उसके बाद मैंने मेजरमेंट करके एक कटोरी भर के रवा ले लिया है, सूजी ले लिया है, और मैंने हाफ कप और लिया है उसके बाद ऐड किया है मैंने। तो अभी मैंने इसमें दिखाया नहीं है, बाद में है वो। और इसको थोड़ा सा हम इसको रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा इसको भून लेंगे, और घी डाल के जितना अच्छा सा घी में ये भुनता है बहुत अच्छा लगता है। देखो मैंने और भी ऐड किया है। सो मेरी क्वांटिटी इतनी थी कि मुझे 3 से 4 लोगों के लिए बनाना था, तो मैंने 1.5 कप इसको ऐड किया है रवे को। अभी इसके बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के लिए सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं, और ये रखा है खोया जो मैंने एक दिन पहले बना के तैयार किया था, और शक्कर जितनी मैंने बाद में, क्योंकि मैं जो मीठा बहुत कम बनाना था, तो जितना मैंने बाद में रवा लिया है उतना ही मैंने शुगर लिया था बाद में। मतलब आप हाफ कटोरी या जितना मीठा आपको खाना आप उतना ले सकते हो। ये धीरे धीरे रोस्ट होने लग रहा है, रोस्ट होने के बाद हम इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे। अभी मैंने वापस से उसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। अभी मैंने उसकी चाशनी बनानी है शक्कर डालकर, तो शक्कर डालकर चाशनी बनाएंगे ताकि हमारे जो लड्डू हैं वो बाइंड अच्छे से हो पाएँ। दोबारा से घी डाला है, और फिर सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमारे पास हैं उनको रोस्ट करना है हमें, ताकि वो थोड़े से खाने में क्रंची लगें, और ये जो बाद में मेवा है इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। बाद में मैंने ये जो आप देख रहे हो ये खारिक है और किसमिस है, इसको मैंने लिया है और इसको मैंने पीस लिया है, और सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने बाद में पीसा, तो मैंने मेवा मिलाया और वो सारे ड्राई फ्रूट्स मिलाए। अभी मैंने इसमें शुगर नहीं डाला है, शुगर जो बना रही हूँ मैं चाशनी वो भी नहीं डाली है, क्योंकि मैं इसमें से थोड़ा पोर्शन निकाल लूँगी जो मैं शुगरलेस लड्डू बनाने के लिए। तो अभी थोड़े से इसको हल्के हाथों से इसको मैश कर लेंगे, ताकि हमारा जो है गर्म गर्म खोया था तो सब मैश हो जाए, अच्छे से मैश हो जाए, तो ये कहीं पे कहीं बंधा हुआ ना हो। तो धीरे धीरे मैंने इसको मैश कर लिया है। इसको मैश करने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने के लिए भी रखेंगे, और थोड़ा सा अलग कर लूँगी मैं। अभी मैंने थोड़ा सा इसमें मिल्क भी ऐड किया है, ये गरम एकदम गरम दूध था, मैंने गरम करके रखा था, और हाफ कप ही ऐड किया, ज़्यादा नहीं ऐड किया, और फिर इसको अच्छे से फिर कर लिया ताकि ये बाइंड अच्छे से हो जाए, सॉफ्ट बने। अभी मैंने इसमें से इतना पोर्शन निकाल लिया जो मैं शुगर फ्री बनाऊँगी, बिल्कुल इसमें कोई भी शुगर बिल्कुल नहीं है। अभी मैंने अपने लिए जो बनाया था उसमें शुगर सिरप डालकर मैश कर लिया है, बहुत गर्म था इसलिए स्पून से मैश कर रही हूँ धीरे धीरे, फिर हाथों से करेंगे। धीरे धीरे मैश किया, और थोड़ा सा इसमें घी और ऐड किया मैंने, थोड़ा सा भी हाथ से इसको मैश किया अच्छे से। मैंने सोचा थोड़ा सा ठंडा हो रहा है और दूध भी डाला था, तो मैंने इसको फिर से एक बार हल्का सा इसको रोस्ट कर लिया ताकि अच्छे से हमारे बन जाए। अभी मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया, और जो पहले से ठंडा हो रहा था उसके थोड़े धीरे धीरे से लड्डू बांध लेंगे। अभी ये शुगर फ्री के लड्डू हैं, देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही मैंने बाकी भी लड्डू बना के तैयार कर लिए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे वीडियो से। देखिए फ़ोटो डाली है मैंने बाद में मेरे लड्डुओं की, ये रहे लड्डू। थैंक यू।